पालक पनीर आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, एक बार इस नए और आसान तरीके से पालक पनीर बनाकर देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार बनाने के बाद आप इसे हर बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखी है, इसमें डालेंगे हम 2 कप पानी। पानी को तेज गर्म कर लेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी डाल देंगे। ये पालक ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो पालक ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। अब इसे हम पानी में डाल देंगे और चीनी डालने से पालक का कलर ग्रीन ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 2 स्मॉल साइज के टमाटर, 3 से 4 काजू, 2 हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 गार्लिक क्लोव और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और साथ ही 1 स्मॉल साइज के प्याज को कट करके डालेंगे। इन सबको हमने साथ में ही डाल दिया जिससे ये सभी साथ में ही कुक हो जाएंगे और सब्जी जल्दी बनेगी। यहाँ पर हमें पालक को 2 बॉईल आने तक कुक कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर पालक का कलर चेंज होने लगा है, तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्लेम को मैंने लो फ्लेम कर दिया है और पालक को तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से पालक का कलर खराब नहीं होगा और ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो पालक को हमने आइस वाटर में रखा जिससे इसका कलर एकदम ग्रीन है, ये देखिए। और जो सब्जी का कलर होगा वो भी एकदम ग्रीन ही आएगा। जब भी पालक की सब्जी बनाएं इस टिप को जरूर से फॉलो करें। अब यहाँ पर ये जो टमाटर है इनकी स्किन सॉफ्ट हो चुकी है तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। टमाटर के छिलके को हटा देंगे और इन सभी को मिक्सर जार में डालकर इनका एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। एक मिक्सर जार लिया है, इसमें ये टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, प्याज और साथ ही ये काजू डाल देंगे। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 लौंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और साथ में सब्जी की ग्रेवी को एकदम टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 3 से 4 क्यूब पनीर डाल देंगे। तो इससे जो ग्रेवी तैयार होगी वो एकदम क्रीमी और लाजवाब बनकर तैयार होगी, उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस तरीके से पनीर डालकर ग्रेवी जरूर से बनाकर देखिएगा। और अब इन सबका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये 1/2 कप पेस्ट बना है। अब इसी मिक्सर जार में हम ये पालक डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें पानी ऐड नहीं करना है, पालक को कोर्स से ग्राइंड कर लेना है। तो ये जार ऊपर तक भर चुका है, इसे पहले ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे ये 1 मुट्ठी हरा धनिया। पालक की सब्जी में हरा धनिया जरूर से डालें, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए हमने यहाँ पर पालक और धनिया को कोर्सली ग्राइंड किया है। तो इसमें से ये 1 बड़ा चम्मच पेस्ट हम एक बाउल में अलग से निकाल कर रखेंगे और बाकी का जो जार में है उसका हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये तीनों चीजें तैयार करके रखी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसमें 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से क्रैकर हो चुका है तो फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि ऑयल बहुत तेज गर्म है। अब इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर हमें मसालों को जलने नहीं देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हमने थोड़ा सा कुक कर लिया है। अब इसमें ये पालक का पेस्ट डाल देंगे जो हमने एक बोल में बचा कर रखा था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ पालक के इस पेस्ट को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज नहीं करता। हमने यहाँ पर ऑयल कम ही डाला है तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें ये पालक की प्यूरी ऐड करेंगे, स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब पालक को हमें बहुत अच्छे से कुक कर लेना है। अब पालक को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। आप चाहें तो इसे ढककर पका सकते हैं या ओवन में ही 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका ले। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें ये 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रीम डालने के बाद पालक को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पर ये पनीर ऐड कर देंगे। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इन सभी को 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं जिससे पनीर सॉफ्ट होगा और पालक भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट के बाद ये पालक पनीर बनकर के तैयार है। लेकिन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें घी का तड़का लगाएंगे। तो पालक पनीर को हमने सर्व कर लिया है। अब यहाँ पर एक तड़का पैन में 2 छोटे चम्मच घी लेंगे।
कि जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 200 के लाल मिर्च 3 गार्लिक क्लोव को चॉप करके ऐड करेंगे। और सब्जी को थोड़ा सा तीखा बनाना चाहें तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस इस घी के तड़के को हम सब्जी में लगाएंगे जिससे ये पालक पनीर बहुत बहुत टेस्टी बनती है। इस तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तैयार है ये गर्मा गर्म ढाबे जैसी पालक पनीर, बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार इसे जरूर से बनाकर देखिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।